यह है मेरा YouTube चैनल सी एस पी रिजवान, इसको आप सब YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं मीट्री वर्नियर कैलिपर के बारे में। मीट्री वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किसी वस्तु या किसी जॉब को 0.02 mm तक एक्यूरेसी में पढ़ने के लिए इसका हम यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स प्रायः इनवॉर स्टील के बने होते हैं। ये हमारा है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के मेन पार्ट के बारे में हम जान लेते हैं। ये हमारा है इनसाइड फिक्स्चर, ये हमारा है इनसाइड मूवेबल जार, ये हमारा आउटसाइड फिक्स्चर, ये आउटसाइड मूवेबल जार। ये हमारी है वर्नियर स्केल, ये हमारी है मेन स्केल। ये बीम, बीम पर ही हमारी मेन स्केल बनी होती है। ये डेप्थ बार, जब किसी वस्तु की डेप्थ मापनी होती है तो हम डेप्थ बार का यूज करते हैं। ये है लॉकनर, जब वर्नियर कैलिपर के द्वारा किसी वस्तु को हम मापते हैं तो हमारी बीम पर जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल होती है उस पर एक रीडिंग आ जाती है। उसको रीडिंग को कैसे पढ़ेंगे आइए हम जानते हैं। वर्नियर कैलिपर की बीम पर मेन स्केल के एक खाने का मान होता है हमारा 1 mm। ये देखिए, जो हमारी वर्नियर कैलिपर है उसकी जो बीम है, बीम पर मेन स्केल के एक खाने का मान हमारा 1 mm है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट हमारी 0.02 mm होती है। अब हम पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर की रीडिंग हम कैसे लेंगे। जैसे कि हमने एक जॉब लिया और उससे हमने वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापा, तो हमारी वर्नियर कैलिपर पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल पर एक रीडिंग आ गई। अब हम रीडिंग को पढ़ें कैसे ये जानिए। मेन स्केल के एक खाने का मान हमारा होता है 1 mm। वर्नियर कैलिपर रीडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले जो वर्नियर कैलिपर की बीम है, बीम पर मुख्य पैमाने यानी कि 1 mm, मुख्य पैमाने यानी कि मेन स्केल डिवीज़न पर हम देखते हैं कि जो हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न का जीरो है वो किस नंबर पर मैच कर रहा है। ये देखिए, हमारा 39 और 40 के बीच हमारा वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, दिख रहा है। वर्नियर स्केल का ज़ीरो हमारा 39 और 40 के बीच में है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेन स्केल के 39 खानों का मान यानी कि 39 × 1 यानी कि 40 mm, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारी मेन स्केल है और हमारी वर्नियर स्केल है वो किस नंबर पर मैच कर रही है। मेन स्केल हमारी वर्नियर स्केल के किस नंबर पर मैच कर रही है, ये देखिए हमारी 15 और ये हमारा 16। तो हमारी जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल से 16 नंबर पर मैच कर रही है। इस 16 में ही हम वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.32 mm हो जाएगी, ठीक है। अब हम टोटल रीडिंग ले लेते हैं। टोटल रीडिंग में हम मेन स्केल और वन ईयर स्केल दोनों को ऐड कर देंगे तो 39.32 mm हो जाएगी। इस तरह हम पूरा वन ईयर कैलिपर की रीडिंग माप सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।